हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है हियरिंग होनी थी, जिसमें अभी तक कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया है। मेनली इसमें टू सेंटर्स के बारे में बातें की गई हैं। तो जो हमारे सामने बातें आई हैं वो ये है कि फर्स्ट इज़ हरियाणा। हरियाणा स्टेट में ये बोला गया है कि जैसे NTA से क्वेश्चन पेपर आता है वो सेंटर में जाता है, सेंटर में जाने से पहले उसको SBI या कैनरा बैंक में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम का डे आता है तो उनको वहाँ से निकाल के सेंटर में पहुँचाया जाता है। तो हरियाणा में हुआ क्या, गलती से कैनरा बैंक के क्वेश्चन पेपर जो हैं वही सबमिट कर दिए, जबकि SBI के क्वेश्चन पेपर सबमिट होने थे। NTA ने पहली बात तो ये बोल दी कि गलती से कैनरा बैंक के कर दिए हैं, SBI के होने थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कम्प्लीटली चेंज कर दी, बोला कि SBI के ही जो सॉल्व किए हैं बच्चों ने, क्योंकि 30 मिनट के बाद पता चल गया था कि गलत क्वेश्चन पेपर सब जो हैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो उसके बाद उनसे वो क्वेश्चन पेपर ले लिए थे और उनको SBI के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो दे दिए थे। अब उन्होंने बोला कि जो उनको ग्रेस मार्क लगे हैं वो उसी के लगे हैं जो 30 मिनट उनके वेस्ट हुए हैं। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है NTA ने एकदम से ही चेंज कर दी। सेकेंड बात कर रहे हैं, राजस्थान का एक सेंटर है, बोला गया कि राजस्थान में 49 सेंटर्स बनाए थे, जिसमें से 48 जो थे वो प्राइवेट स्कूल थे एंड द वन था, एक सेंटर था वो गवर्नमेंट था। अब बोला कि जो टॉपर हैं वो एक प्राइवेट स्कूल से आया हुआ है। अब जो स्कूल के टीचर्स थे वही इन्विजिलेटर वहाँ पर बने थे। तो बात ये आ रही है कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है उस स्कूल से। हो सकता है कि उसी स्कूल के टीचर्स ने वो क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर दिए जाए। जैसे 1000 स्टूडेंट थे उसमें से 8 के 700 प्लस हैं, 69 स्टूडेंट के 600 प्लस हैं और 241 के 550 प्लस आए हैं। अभी तक इसका डिसीज़न जो है फाइनल डिसीज़न नहीं आया है। हो सकता है सेकेंड हाफ में इसका डिसीज़न आ जाए, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।